हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल वीक लिरिक पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं किसी गाने की ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, बल्कि कुछ बातें बताऊंगा सिद्धू मूसेवाला के 295 गाने से जुड़ी हुई। मैं आपको बताऊंगा कि इस गाने को लिखे जाने के पीछे क्या कारण था, किस वजह से सिद्धू ने ये गाना लिखा था। ये गाना है मूसटेप एल्बम का, जो कि जुलाई 2021 में रिलीज किया गया था। रिलीजिंग के टाइम से ही ये गाना कई दिनों तक ट्रेंडिंग में चलता रहा और लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। लेकिन हाल ही में जो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था, उसके बाद ये गाना फिर से ट्रेंडिंग में आ चुका है और अब तक YouTube पर इसके 200 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों और जानते हैं कि इस गाने को लिखे जाने के पीछे क्या वजह थी। डिटेल्स में जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूं साल 2019 में, जब सिद्धू का एक गाना आया था जट्टी जोने मोड़ वर्की। ये गाना आया था सितंबर 2019 में, लेकिन रिलीजिंग से पहले ये गाना लीक हो गया था। दोस्तों, इस गाने में जो लीड मॉडल नज़र आ रही हैं, उनका नाम है सोनम बाजवा, जो कि एक फेमस पंजाबी एक्ट्रेस भी हैं। गाने में उनकी तुलना माता भागकौर, जिनको माई पागो के नाम से भी जाना जाता है, उनसे की गई थी। गाने में एक लाइन थी, माई पागो जहिए तसीर मुंडिया। इस लाइन का मतलब ये था कि गाने में जो मॉडल है, उसकी छवि माई पागो से मिलती जुलती है। दोस्तों, माई पागो एक सिख महिला थी, जिन्होंने 1700 ईस्वी में मुगलों के खिलाफ युद्ध में सिख सैनिकों का नेतृत्व किया था। वह युद्ध के मैदान में एक असाधारण कुशल योद्धा थी और सिख धर्म में एक संत के रूप में प्रतिष्ठित हैं, मतलब उन्हें संत का रूप माना जाता है। गाने में उनका नाम लिए जाने की वजह से इस गाने का कुछ सिख जथेबंदियों द्वारा काफ़ी विरोध किया गया। सिद्धू के घर का घेराव किया गया, उनके माता पिता द्वारा माफ़ी भी मंगवाई गई। सिद्धू ने खुद भी दो बार लाइव होकर पूरी सिख कम्युनिटी से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि वह इस लाइन को इस गाने से हटा देंगे और बताया कि इस गाने के माध्यम से वे कुछ अर्थ बताना चाहते थे, लेकिन उन्हें गलत तरीके से समझा गया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद माई भागों का अपमान करना या किसी को चोट पहुँचाने का नहीं था, फिर भी वह अपनी गलती स्वीकार करते हैं। इसके बावजूद भी उनके ऊपर एक केस दर्ज किया गया और ये केस जिस धारा के अंतर्गत दर्ज हुआ, इसी धारा का नाम है 295, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का अपमान करता है, क्षति पहुंचाता है या उसके खिलाफ कुछ अपशब्द या गलत बोलता है, तो इस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति को जेल की सज़ा हो सकती है या जुर्माना भी लग सकता है। तो इस गाने के जरिए सिद्धू ने उन सब लोगों को जवाब दिया जिन्होंने उसका विरोध किया था। दोस्तों, अगर आपको इस गाने का मतलब नहीं पता तो अभी आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और नए नए वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।